अब मैं रोड पे भागती हुई अच्छी थोड़ी ना लगूंगी कोई। मैंने इस बच्चे से देखी, आपको सुबह बताया था ना छुपा छुपा के रखे कुरकुरे, और इस बच्चे ने आके ना स्कूल से ढूंढ लिया आखिरकार। देखिए कितनी चुनी चुनी सी है। यहाँ कहीं जाओ आओ घूमो फिरो तो उसके लिए फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है जी, पैसा पैसा। Let's go, baby. Oi, zip, zip. तो जी हम जा रहे हैं, मैंने भी बैग हैंग कर लिया है। अलीजा का है बैग में बैग, अलीजा कहीं ग्रोसरी पर, उनको ग्रोसरी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गए नहीं इंडिया? जून में जाएंगे। तो जी मैं और अफ़ाम जाएंगे बेसमेंट पे, अलीजा को हम पिक करेंगे वहां से ग्राउंड पे से, क्योंकि ये अगर जाते ना उस शॉप पर तो ये तो तबाहियां मचा देते सुबह सुबह जो है ना तबाहियां। मैंने कहा अलीजा आप जाओ और हम मिलते हैं वहाँ पे। तो जी हम आ गए अफ़ाम के स्कूल अलीजा को ड्रॉप करके। यश ये धूप में से जाना होता है, धूप बड़ी पसंद आती है यहाँ की, जो धूप होती है ना ये वाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक बच्चा इतना खुश हो जाता है, दूसरा बच्चा पता नहीं क्या हो जाता है उसको। ओ गॉड, ये बच्चे भाग ही चले जा रहा है, भाग ही चले जा रहा है बच्चा। अफ़ाम वेट यार, अब मैं रोड पे भागती हुई अच्छी थोड़ी ना लगूंगी कोई। अल्लाह हाफिज, गुड अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मुझे लगता था बेटियों की माँ होना ज्यादा मुश्किल है, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, जिम्मेदारी का काम है। मुझे अब एहसास हो रहा है कि बहन बेटियां तो बड़ी मासूम होती हैं, बेटे जो है ना उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा और माँ दोनों के माइंड अलग होते हैं। वो औरत के लिहाज से सोच रही होती है, वो एक मर्द के लिहाज से सोच रहा होता है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो। वो माइंड जो है ना, हम मेरा और बच्चों का माइंड ना मिल नहीं पा रहा है। बेटियां जो होती है ना, बेटियों का और माओ का जो ना बॉन्डिंग और जो सोच होती है ना, एक औरत की सोच, क्योंकि माँ को पता होता है ना कि बचपन में मैं इस एज में थी तो मैंने क्या किया था और मुझे क्या अच्छा लगता था, तो वो इजी होता है माँ को है ना बेटियों को हैंडल करना। बट बेटे के लिए ना मुझे समझ नहीं आता, अब मुझे क्या पता लड़के बचपन में क्या सोचते थे, लड़के जिद्दी होते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहे हैं, अभी इस वक्त अलीजा के माइंड में क्या चल रहा है, अफ़ाम के माइंड में क्या चल रहा है, मुझे मैं नहीं समझ पा रही हूँ वो चीज, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिख गया काकरोच, दिख गया, चुन चुन के मारूंगी इसको। तुम्हें सबर करो बेटा, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी पूरे घर में टीं 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 करके दिमाग की देखी हुई थी इसने। उसमें भी ढक्कन लगवा के लाते ना उस वाली चाय पे आप। अच्छा अभी चाय आ गई हमारी, अब हम बनाएंगे अपनी ब्रेड। हमारा डस्टबिन सूख गया होगा जो हमने धो के डाला था रात को। मेरी इतनी गंदी आदत हो गई चीजों को संभाल के रखने की। कुरकुरे मैंने छुपा के संभाल के रखे थे, वो मैं भूल ही गई कि मैंने रखे खाते। कहाँ ढूंढूं, कहाँ रखे होंगे यार। फिर ढूंढ ढूंढने में फिर दिल खत्म हो जाएगा। ढूंढते ढूंढते मुझे मिली चिल्ली मिली। बताओ चिल्ली मिली कितनी छोटी, चिल्ली मिली कितनी छोटी सी हो गई यार, देखिए कितनी चुनी चुनी सी है। मुझे आगे जब हम लेते थे 5 रुपए की थी, कितने की थी पता नहीं, उतनी अच्छी खासी बड़ी होती थी चिल्ली मिली। आएंगे आप बल्ले बल्ले, ये तो ना फॉर्म खाता है ना लीजा। मिल गए फाइनली मेरे कुरकुरे, ढूंढ लो मैंने को, तो मैंने कहाँ रखे थे मारते लिखा, आज मिले, कल हमारी में रखे थे। बच्चों से ना छुपा छुपा के ना चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी पड़ती हैं, हालांकि मैं खाती नहीं हूँ उतना चीज़ें, बट कुरकुरे और चीटोस ओए होए मुझे बहुत पसंद है, कुरकुरे और चीटोस, तो ये तो मैं लाजमी अली रजा से खास कर छुपा के रखती हूँ, क्योंकि अलीदा की नज़र होती है हर वक्त मेरी चीज़ों के ऊपर, कि मुझे चॉकलेट टॉफीज और ये वो कुछ नहीं पसंद, कि उनके लिए छुपाती हूँ कि वो एक दिन में सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। भागो भागो, अफ़हम आ गया, लेट हो गया। यूट्यूब के शॉर्ट्स और जो टिकटॉक के शॉर्ट्स है ना, इन्होंने कसम से दिमाग की देखी है, उसको स्क्रॉल करते जाओ टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ भाई गाड़ी, एक तो समझ ही नहीं आता इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, डर लगता है कि किसी और की गाड़ी में मैं ना दरवाजा खोल के झांकने लग जाऊँ अपने बच्चे को। चलो वेट करती हूँ यहाँ बैठ के, मैं आराम से खींच के लेके गया है आज बच्चा मुझे पराठा लेने के लिए खींच के। पागल बच्चा, वेरी बैड। Assalamualaikum. You to the admin office? Yeah.
No, I'm at home. I'm working. Wow. Same like your dress color. ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पहाड़ जो है सरसों उतर गया, खाना जल्दी बन गया। तो ये देखो आज हमने बनाए हैं व्हाइट राइस, दाल, ये बनाई है दाल हमने। तो जी दाल चावल और उसके साथ अचार ना हो तो ये तो जी दाल चावल की हो जाएगी बेइज्जती। और मेरा मोस्ट फेवरेट रायता, कल वाला रायता बच गया, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी। और ये जी अली रजा का अंडे पराठा रेडी। अफाम भी सो गए, वकार भी सो गए। ये लो बेटा, मेरा भी ना दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ, कसम से इतनी तेज़ वाली नींद आ रही है। अभी मैंने खाना निकाल लिया तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं पहले खाना खाऊंगी फिर उसके बाद भी नहीं सोऊंगी। खाना खा के वो भी चावल खा के कौन सोता है भाई। असल क्या है, मेरे बच्चे की कैप इधर उधर फेंक रही थी तो मैंने इसको सर पे रख लिया। मैंने कहा जब मैं जाऊँगी इसकी अलमारी में, उसके रूम में, तो रख दूंगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ वहाँ से होकर आकर मेरे सर के ऊपर कैप रह गई, ये मुझे पता ही नहीं चला। कौन है ये लोग? प्रॉमिस करो क्या मेरे कुरकुरे खा रहे हो और प्रॉमिस कर रहे हो आप कि हाँ आप मुझे दोगे लाके वापस। मैंने इस बच्चे से देखिए आपको सुबह बताया था ना छुपा छुपा के रखें कुरकुरे, और इस बच्चे ने आके ना स्कूल से ढूंढ लिया आखिरकार। कहो ग्रीन वाला खा लो, रेड वाला मेरा है। अच्छा रेड नहीं मिलता, ग्रीन हर जगह मिल जाता है, रेड वाला नहीं मिलता। लीजा रेड कुरकुरा मेरा है। कितनी प्यारी लग रही है ना, क्यूट लग रही है ना, छोटी छोटी सी। जिस टाइम मैं ये ले रही थी ना, यस आई एम फाइन, जिस टाइम पे मैं ये बालियां ले रही थी ना वहां से, तो मैं सोच रही थी कि यार ये मैं ले तो रही हूँ बट ये किस चीज में मैच होगी। बट लेने के बाद जब मैंने देखा ओ माई गॉड सेम ड्रेस मेरे पास। कोई भी चीज पसंद आए ना और सस्ती हो खासकर फटाक से ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, फिर बाद में घर आके वो कहीं ना कहीं मैच हो ही जाती है। मेरा तो यही फंडा है घर के लिए डेली यूज के लिए। हाँ कहीं जाओ आओ घूमो फिरो तो उसके लिए फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है जी, पैसा पैसा। आइए फ्रेंड्स आज मैं आपको एक चीज ऐसी दिखाती हूँ, इनकी वजह से चुप चुप के हमें ये काम करना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, चले मेरे साथ। ये देखिए चाय, चाय दरवाजे के बाहर, और ये चाय रख के गए दरवाजे के बाहर वकार आजमत, वो इससे छुप के गए, ये जाने नहीं देता। फिर रोता आगे ने कहा मुझे चाय चाहिए, तो वो मेरी चाय लेकर आए। उनको सिर्फ पता चल गया तो उनकी हालत देखिए क्या हो रही है अभी। शफाम काम, ऐसा पीटूंगी, ऐसा पीटूंगी ना कि नानी याद आ जाएंगी। इतना सारा, एक तो टीचर होमवर्क देती हैं और लो मेरी पन्ना दो दिन में चार चार पेज। उन नवाब साहब से तो एक एक दो लाइनें नहीं होती है घंटे के अंदर, तो वो दो लाइनें करते हैं। क्यों बच्चा तो कम, बच्चों की माएं पागल हो रही हैं भाई। टाइम देखो क्या हो गया, 10 बज गए रात के। प्लीज पिंक डूडो फॉर्म चेक चेक फॉर्म चेक। तो जी बच्चों की लड़ाई झगड़ों के बाद फाइनली दोनों के दोनों सो गए हैं। उसके बाद मैं फिर किचन में आई, अपना सारा काम वाम किया, बर्तन धोए। एक्चुअली मैं भी ना बच्चों को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई थी, फिर एकदम से भी वकार आए तो मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला मैंने बर्तन नहीं धोए। फिर बर्तन धो के अब किचन की सफाई करके मैं भी जाती हूँ सोने। आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, नए हैं मुझे देखने वाले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना कोई भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, शब बखैर दुनिया वालों, मिलेंगे कल।